नमस्कार। कुछ मरीज हमसे सवाल काफ़ी आम तौर पे करते हैं कि हमारी चमड़ी यदि लटक जाती है और हमारा बहुत सारा वेट लॉस बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद हो जाता है तो इसका क्या सोल्यूशन है। और कुछ लोग हमारे पास गूगल में पढ़ के या लोगों से डिस्कस करके पूछने आते हैं कि पोस्ट बेरियाट्रिक बॉडी काउंटरिंग क्या आप करते हैं। तो पहले तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद चमड़ी लटकने की संभावनाएँ हर मरीज में नहीं रहती। जिनका वजन 150 किलो से ऊपर है या वो जिनको बहुत सारा रिडंडेंट फैट एब्डोमिन पे है या ब्रेस्ट पे है या थाइज में है और वो शरीर के दूसरों हिस्सों से ज़्यादा वहाँ पर जमा है, उन्हीं को इस प्रकार के प्रोसीजर्स की ज़रूरत लगती है। बेरियाट्रिक सर्जरी के 2 साल तक ये प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहिए क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी में 2 साल तक वजन कम होता रहता है। 2 साल बाद यदि आप ये महसूस करते हैं कि शरीर का कोई हिस्सा या उसकी चमड़ी ज़्यादा लटका हुआ है या वो आपकी दैनिक कार्य में आपको तकलीफ पैदा कर रहा है या वो कॉस्मेटिकली टोटली नॉन अपीलिंग है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का एम्बेरसमेंट होता है। साधारणतः ये हिस्से ब्रेस्ट, थाए और पेट के हिस्से के होते हैं। आप निश्चित तौर पे हमारे सेंटर पे आके हमें दिखाएं। हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से केपेबल है इन प्रोसीजर्स को करने के लिए, जैसे कि एब्डोमिनोप्लास्टी लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट रिडक्शन, थायप्लास्टी और आर्म्स यानी हाथ में लटकी हुई चमड़ी को जिसको हम ब्रेकियोप्लास्टी कहते हैं। ये सभी प्रोसीजर जिसको बेरियाट्रिक काउंटरिंग कहा जाता है ये हमारे यहाँ हमारी टीम करती है। काफ़ी कम मरीजों को इसकी आवश्यकता होती है और यदि हमें कोई मरीज दिखाने आता है तो हम उसको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में गाइड भी करते हैं कि उसको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो भी बेरियाट्रिक सर्जरी कराने के 2 साल तक हम इन प्रोसीजर्स को बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करते क्योंकि 2 साल तक आपका पूरा वजन कम हो चुका होता है और उसके बाद ही इसका असेसमेंट हमारी टीम बैठ के करती है। इन प्रोसीजर्स को करने के लिए मरीज को कुछ दिनों का स्टे अस्पताल में लगता है, जैसे 4 से 5 दिन, और हमारे अस्पताल में इसके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीज आकर अपना इलाज करा सकते हैं।